सो so, uh, अब हमें इस सी पैनल के अंदर एड डोमेन को ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि प्राइमरी डोमेन क्या होता है और ऑन डोमेन क्या होता है सो so, जब भी आप कहीं से भी होस्टिंग बाय करते हैं फॉर एग्जाम्पल गोडेडी डॉट कॉम से नेम चीप डॉट कॉम से या हमारी भी किसी भी वेबसाइट से होस्ट लीको डॉट कॉम यास्ट डॉट कॉम से तो आपको बेसिकली uh, एक डोमेन बताना होता है जो कि आपकी होस्टिंग के साथ लिंक किया जाता है और वो आपका प्राइमरी डोमेन होता है जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर जी मार्केट डॉट पी के जो है वो इस सी पैनल का प्राइमरी डोमेन है सो so, अभी हमें इस डोमेन के अलावा इसी सी पैनल के अंदर एक और डोमेन ऐड करना है तो जो नेक्स्ट डोमेन हम ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे ऑन डोमेन तो ऑन डोमेन को ऐड करने का क्या तरीका है वो हम आज देख लेते हैं और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसी ऑन डोमेन का सी सब uh, डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर जाऊँगा डोमेन्स के ऑप्शन में यहां पर मैं सर्च करूंगा डोमेन्स एंड uh, डोमेन्स के ऑप्शन में जाने के बाद जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें मेन डोमेन जो हो रहा है जो कि हमारे सीबादल का प्राइमरी डोमेन है तो मैं अभी एक और डोमेन ऐड करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट अ न्यू डोमेन पे एंड देन इसके बाद मैं यहां पे ऑलरेडी मैंने कॉपी किया हुआ है नोट पैड में जो डोमेन मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा एंड मैं यहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा सो so, जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली हर डॉक्यूमेंट रूट में भी फिल कर दिया और इसके अलावा इसने ऑटोमेटिकली सब डोमेन में भी फिल कर दिया सो so, अब हमें यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे सो ये ऑटोमेटिकली डोमेन ऐड हो जाएगा बेसिकली ये डॉक्यूमेंट रूट जो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह डोमेन ऐड हो चुका है <coughs> और सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट रूट शोर है जो कि इसी डोमेन के नाम से है सो तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे फाइल मैनेजर में ले जाएगा बेसिकली फाइल जब भी आप एक डोमेन ऐड करते हैं तो उसी डोमेन के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है फाइल मैनेजर में जिस फोल्डर के अंदर इस डोमेन की फाइल्स पड़ी होती हैं सो तो ये फोल्डर है जहाँ पर हमें इस डोमेन की फाइल्स को ऐड करना है ताकि वो लाइव हो सके उसकी वेबसाइट और जो प्राइमरी डोमेन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक एस्टीमेट के फोल्डर से लिंक है जो कि अगेन हमारे फाइल मैनेजर में पड़ा हुआ है सो so, इसी तरह से आप जो है वो एक डोमेन को ऐड कर सकते हैं सी पैनल में एंड इसी तरह से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप मैनेज के बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रिमूव वा डोमेन की ऑप्शन आएगी इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं सो so, मैं अभी यहाँ से बैक जा रहा हूँ मैं अब इसी डोमेन के ऊपर एक सब डोमेन भी क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा देख लेते हैं सो so, उसके लिए अगेन हम जाएंगे क्रिएट अ न्यू डोमेन की ऑप्शन पे सो सब डोमेन क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अभी जो हम यहाँ पे सी पैनल का थीम यूज़ कर रहे हैं ये है जूपिटर के नाम से और जो ओल्ड थीम था वो था पेपर लेटर सो मैं आपको उसकी नेट चेक करवा देता हूँ कि वो किस तरह से दिखता था सो इसके लिए मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये जो सी पैनल है ये पेपर लेटरन को यूज़ कर रहा है पेपर लेटरन थीम को तो इसमें बेसिकली ऑन डोमेन्स की ऑप्शन अलग से अवेलेबल है एंड सब डोमेन की जो ऑप्शन है वो अलग से अवेलेबल है सो so अगर आपको ऑन डोमेन बनाना होता तो आप ऑन डोमेन्स के ऑप्शन पर जाते थे अगर आपको सब डोमेन क्रिएट करना होता था तो आप सब डोमेन्स के ऑप्शन पर जाते थे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जो जुपीटर थीम है सी पैनल का इसमें ऑन uh, डोमेन्स की ऑप्शन और सब डोमेन की ऑप्शन अलग से अवेलेबल नहीं है इसमें दोनों ऑप्शन को उन्होंने मर्ज करके एक ही ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया है जिसका नाम है डोमेन्स तो अगर आपको सब डोमेन ऐड करना है या आपको एडोन डोमेन ऐड करना है जूपिटर थीम में तो आपको डोमेन्स की ही ऑप्शन में जाना होगा जबकि अगर आप पेपर लटर्न थीम यूज़ कर रहे हैं तो पेपर लैटन के अंदर आपको एडोन डोमेन्स अगर ऐड करना है तो एडोन डोमेन्स वाली ऑप्शन पे जाएंगे और अगर, अगर आपको सब डोमेन ऐड करना है तो आप सब डोमेन्स ल जाएंगे सो फॉर एक्जाम्पल अगर हम एड डोमेन्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाती है इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ी सी इमेज यहाँ से कट हो रही है इसमें यहाँ पे डोमेन नेम लिखा रहा होता है नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट रूट जो कि आपने ऑलरेडी देखा कि जो फोल्डर उस डोमेन के साथ लिंक है बेसिकली उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा रहा होता है एंड इसके बाद मैनेज uh, की ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो क्रिएट अ न्यू डोमेन की भी ऑप्शन आ रही है सो so, अगर हम क्रिएट अ न्यू डोमेन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगेन वही वाली लेआउट ओपन हो जाती है जो uh, और इसी लेआउट पर जाके हम बेसिकली डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक यू कैन सी यहाँ पर भी हमने डोमे नेम लिखा सब डोमेन उसका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया इसी तरह से डॉक्यूमेंट रूफ भी ऑटोमेटिकली लिखा गया जस्ट आपने एड डोमेन की ऑप्शन पर क्लिक करना होता है एंड उसका एफ अकाउंट उसका डॉक्यूमेंट रूट उसका सब डोमेन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है सो so, बेसिकली ये तरीका है पेपर लेटर में ऐड करने का पेपर लेटन थीम में एडोल्ट डोमेन और सब डोमेन ऐड करने का एंड इसी तरह से जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया वो था जूपीटर थीम में ऐड करने का तो so, अभी के लिए हमने जो भी एडोल डोमेन ऐड किया था उसके ऊपर हम एक सब डोन क्रिएट करने जा रहे हैं सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस सो so, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि क्रिएटर डोमेन की ऑप्शन पे मैं चला गया मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट डॉट आगे मुझे यहाँ पे डोमेन नेम लिखना पड़ेगा जबकि अगर आप पेपर लेटरन थीम में सब डोमेन ऐड करते थे तो वहाँ में जस्ट आपको सब डोमेन देना होता था और डोमेन के लिए आपके पास एक ड्रॉप डाउन था उस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते थे लेकिन इस थीम के अंदर आपको जो भी सब डोमेन का नाम है वो लिखना है एंड आपको डोमेन नेम यहाँ से कॉपी करके साथ आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा मतलब कि टेस्ट डॉट वकास गिलानी डॉट कॉम सो so, मैंने यहाँ पे ऐड किया सो so, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इसने आ, सब डोमेन के लिए जो उसके साथ लिंक्ड फोल्डर होगा वो भी बना दिया तो मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा सो so, कुछ ही देर में ये आपका सब डोमेन भी क्रिएट हो जाएगा सो यू कैन सी हमारा यहाँ पर सब डोमेन भी क्रिएट हो गया ओके okay. सो so, अब अगर हम देखा जाए तो हमने डोमेन तो यहाँ पर ऐड कर लिया एडल डोमेन भी हमने ऐड कर लिया हमने सब डोमेन भी ऐड कर लिया सी पैनल में बट मसला ये है कि अभी भी अगर हमारा डोमेन होस्टिंग uh, से कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसकी और क्या रीज़न हो सकती है उसकी रीज़न ये है कि आपने अभी होस्टिंग में तो डोमेन ऐड कर लिया बट जहाँ से आपने डोमेन को परचेज़ किया होगा वहाँ में जाके आपको जहाँ से भी आपने होस्टिंग खरीदी है उन्होंने आपको डी प्रोवाइड किए होंगे वो डी आपको अपनी डोमेन की डी सेटिंग्स में ऐड करना होंगे जहाँ से आपने डोमेन बाई किया है वहाँ पर दैन जो है वो आपका डोमेन uh, डोमेन रजिस्ट्रार वाली साइट से भी होस्टिंग के साथ पॉइंट कर सकेगा सो जस्ट लाइक आप हमसे होस्टिंग अगर परचेज करते हैं Uh, हमारे बेसिकली दो वेबसाइट्स हैं जो भी uh, चल रही हैं करंटली पोस्टिंग के लिए वेबसोल वोज डॉट काम के नाम से और पोस्टलिको डॉट काम के नाम से सो so अगर आप पोस्ट लीको डॉट काम से बाई करते हैं होस्टिंग तो हमारे नेम सर्वर्स होंगे एन एस वन डॉट पोस्ट लीको डॉट कॉम एंड एन एस टू डॉट पोस्ट लीको डॉट काम इसी तरह से अगर आप वेबसोल वोस डॉट काम से होस्टिंग परचेज़ करेंगे तो हमारे नेम सर्वर्स होंगे एन एस वन डॉट वेबसोल वोज डॉट कॉम और एन एस टू डॉट वेबसोल वोस डॉट काम तो अगर आपने डी एन एस ऑलरेडी एड कर रखे हैं डोमेन के अंदर और सिंपली आप एड ऑन डोमेन ऐड करेंगे तो आपके यहाँ जो डोमेन है वो होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा एंड आप इसमें जो भी आप अपनी वेबसाइट अपलोड करना चाहते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं सिम्पली आपको डॉक्यूमेंट रूफ में जाना है एंड यहाँ से आप अपलोड कर पाएंगे इसी तरह से जो भी आपने डोमेन नेम ऐड किया उसके अंदर अगर आप वर्ड प्लस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपली वर्ड प्लस मैनेजर में जाएंगे एंड जस्ट लाइक कि वर्ड प्लस मैनेजर में ऑलरेडी प्राइमरी डोमेन आपको शो हो रहा होता है इसी तरह से जब आप इंस्टॉल के बटन पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो जब भी आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी जितने भी आपने डोमेन या सब डोमेन ऐड किए उनकी भी तो आप किसी भी सब डोमेन या डोमेन के ऊपर अगर वर्ड प्लस चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसी तरह मैं यहाँ से डब्ल्यू पी को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू पी लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये डब्ल्यू पी के फोल्डर के अंदर वर्ड प्लेस को इंस्टॉल करेगा तो बहर मैंने यहाँ से डोमेन सेलेक्ट किया एंड देन मैं देहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड दूँगा यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड दूंगा एंड नीचे आके यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये वर्ड उसी डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी सो तो बेसिकली ये तरीका था कि हम किस तरह से ऑन डोमेन ऐड कर सकते हैं और सब डोमेन ऐड कर सकते हैं सी पैनल में सो तो इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल आ, सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए सो मिलते हैं नेक्स्ट ने वीडियो में थैंक यू अल्लाह हाफि